यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जियो टिकटॉक। अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार का व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो बनाना तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो के आने का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, अपने काइनी मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है और वहाँ पर दिख रहे प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और वहाँ से हमें एक साइज सेलेक्ट कर लेना है। 16:9 का यहाँ पर साइज सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें मीडिया पर क्लिक करना है। मीडिया पर क्लिक करने के बाद यहाँ से एक बैकग्राउंड ले लेना है, जो कि हम यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड यहाँ से ले लेते हैं और इसका हम साइज 30 सेकंड रख लेते हैं। और उसके बाद लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम एक ग्रीन इफेक्ट लेते हैं। इस ग्रीन इफेक्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसको हम फुल वेरिएंट कर लेते हैं। देख लेते हैं इसका साइज कितना है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर हम एक इमेज सेलेक्ट करेंगे, इस इमेज का भी लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस इमेज को सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर और इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको भी हम 30 सेकंड रख लेते हैं और यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले हम इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर यहाँ पर इसको स्क्रीन पर क्लिक कर देते हैं, जिसके इस प्रकार दिखने लगेगा और यहाँ से इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम फिर लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और मीडिया पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें एक और ग्रीन इफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। इस ग्रीन इफेक्ट लिंक का भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस इफ़ेक्ट को भी हम साइज 30 सेकंड ही रख लेते हैं, बकाए इसको कट कर देते हैं और यहाँ से स्वेप कर लेते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा आगे कर लेते हैं, यहाँ से इसका साइज इस प्रकार रखते हैं और यहाँ से इसको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाकर इसको भी हम स्क्रीन पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कि इस प्रकार दिखने लगेगा और इसको सेव कर लेते हैं। उसके बाद इस पर टच करते हैं और यहाँ से इसको उठाकर इस प्रकार रख लेते हैं, इस प्रकार इसको रख लेते हैं। इस इमेज का भी साइज हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि इस प्रकार दिखने लगेगा। और इसको भी थोड़ा नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। अब हमारा स्टेटस बनके रेडी हो गया है। चलिए तो हम इसे प्ले करके देखते हैं कैसा लग रहा है। इस इफेक्ट में साउंड है तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसमें एक ही साउंड बजेगा, इस प्रकार दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर